तो यमी और मज़ेदार सी पिज़्ज़ा टोस्ट बनाने के लिए आज मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी, और इसको आप जब चाहें जिस वक्त चाहें बना सकते हैं। और स्पेशली बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है, पिज़्ज़ा का बहुत ही अच्छा सा रिप्लेसमेंट है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्रेड के स्लाइसेस, और आप दो ले लें, तीन ले लें, चार ले लें, जितने भी आपको बनाने हैं आप इसके ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिए। सिंपल ये ब्रेड है, सैंडविच ब्रेड है। और अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और अगर आपके पास नहीं भी है पिज़्ज़ा सॉस तो आप इसको घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। और इन केस अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल चिली गार्लिक सॉस के अंदर थोड़ा सा ओरिगैनो ऐड कीजिए, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कीजिए, और आपकी इंस्टेंट सी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। तो बस अब आपने इस तरह से ब्रेड पे इसको स्प्रेड कर देना है, अच्छे से लगा लेना है और सारे कॉर्नर्स को कवर कर देना है। आप चाहें तो इसके कॉर्नर्स आप हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कॉर्नर्स के साथ ही ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने लिए हैं प्याज, लिए हैं कैप्सिकम, लिए हैं टमाटर, लिए हैं ऑलिव्स, लिए हैं। आप कोई सी भी वेजिटेबल अपने पसंद की टॉपिंग्स जो है वो उस पर ऐड कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इनको मैंने बिल्कुल भी पकाया नहीं है, क्योंकि जब ये स्लो फ्लेम पे कुक होगा तो ऑलरेडी जो है वो सारी चीज़ें अच्छी से पक जाएंगी, और बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है हमने इनको, जस्ट एक हल्का सा हमें टोस्ट करना है और ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट सी हो जाएंगी। तो बस अब इसके ऊपर एंड पे आपने ऐड कर देनी है मोज़रेला चीज़। चीज़ ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करूँगी ताकि ये यमी और चीज़ी से टोस्ट जो है वो बन के तैयार हो जाए। तो बस दोनों स्लाइसेस के ऊपर जो हम इस तरह से चीज़ को स्प्रेड कर दूंगी, और एंड पे बस अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ी सी सीजनिंग, और सीजनिंग के अंदर मैं इसमें ऐड करूंगी ओरिगैनो, और साथ में हल्का सा जो है वो हम रोजमेरी और थाइम ऐड कर सकते हैं। कोई भी आप इटालियन हर्ब्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप इसके ऊपर ऐड कीजिएगा। तो ओरिगैनो ऐड कर देते हैं हल्की सी, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए और इसका जो फ्लेवर है वो भी इसमें एनहांस हो जाए। और थोड़ा सा मैं थाइम ऐड कर दूंगी, और अगर आपके पास थाइम नहीं भी है तो आप सिर्फ ओरिगैनो भी इस पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा चिली फ्लेक्स इस पर ऐड कर सकते हैं, और आपके ज़बरदस्त टोस्ट जो हैं वो बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब इन चीज़ टोस्ट को मैं जो है पिज़्ज़ा टोस्ट को ऐड करूँगी इस ग्रिल पैन पे। ग्रिल पैन को हमने ग्रीस कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के आपने इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ताकि नीचे से भी जो टोस्ट है वो ज़बरदस्त हो जाए। तो बस इसके ऊपर मैंने इस ब्रेड को ऐड कर दिया है, और अब हम इसको कुछ देर के लिए पका लेंगे, और बस इसको हम कवर कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद कवर करके लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, और ये देखिए कि कितना मज़ेदार सा चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुका है, और ब्रेड स्लाइस जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं आप इसको जो है फ्राई पैन में भी बनाना दिखा देती हूँ कि इस तरह से आप फ्राई पैन में, तवे पर, किसी भी चीज़ के ऊपर आप इसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रिल पैन लें। तो इस पर आपने ब्रेड को रखना है और बस इसको मेल्ट होने देना है, और कुछ देर के लिए कवर कर दीजिए 1-2 मिनट के लिए। तो देखें कि चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गई, और नीचे से भी बहुत ही अच्छे से ब्रेड जो है वो सॉफ्ट रोस्ट हो गई है, यानी कि जिस तरह से टोस्ट आप बनाते हैं उस तरह से बिल्कुल टोस्ट हो गई है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या है। तो देखें कि कितने मज़े से चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है, और अब हम इसको स्लाइस को काटते हैं और देखते हैं कि कितनी यमी सी ये ब्रेड जो है हमारी तैयार हुई है। तो आज की पिज़्ज़ा टोस्ट की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और बहुत ही इंस्टेंट और क्विक और झटपट सी ये रेसिपी है, जो कि आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो बस आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ये जो पिज़्ज़ा टोस्ट है वो कैसा बना है। तो बस आज की रेसिपी को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो कल तक की रेसिपी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।